हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल शहजादी। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं छोटी सी टिप्स लेके आई हूँ जो एक्नी और पिंपल्स के लिए है। एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जो है अक्सर गाइस बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और जो है चाहती हैं कि हमें कोई ऐसी टिप्स बताई जाए जिससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी यूज़ ना करें उनके लिए और जो है केमिकल वाली चीज़ें भी यूज़ ना करें और हमारी एक्नी जो है वो रिमूव हो जाए। कोई भी होम रेमेडी इसके लिए तैयार नहीं करनी है, जस्ट एक चीज ही आपने इसमें ऐड करनी है और उसे जो है अपनी एक्नी को खत्म कर लेना है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने जो है इसमें बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा जो है हर किसी के किचन में अवेल होता है और आसानी से जो है आपको मिल जाता है। बेकिंग सोडा आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे स्किन वाइटनिंग के लिए भी और हमारी स्किन से डस्ट को रिमूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसी को बेकिंग सोडे की समझ ना आए तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मीठा सोडा भी बोला जाता है। मैं जो है पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, थोड़ा सा करना है आपने, ज़्यादा जो है इसमें पानी ऐड नहीं करना और इस तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। आपने जो है जिस एरिया पर आपको एक्नी प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है कि उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है। और जहाँ भी आपको एक्नी है, पिम्पल्स हैं, आपने उस एक्नी और पिम्पल्स के ऊपर जो है इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ आपको एक्नी प्रॉब्लम है, पिंपल्स प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ आपने इसको अप्लाई करते रहना है। जस्ट आपने एक्नी और पिंपल्स के ऊपर ही इस तरीके से जो है डॉट्स की तरह अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। सुबह उठने के बाद जो है आपने इसको रिमूव करना है। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो साथ ही आपकी एक्नी भी इसके साथ रिमूव हो जाएगी। सिर्फ पहली बार के इस्तेमाल से ही आपकी एक्नी जो है इससे रिमूव हो जाएगी। और आपने इसको पूरे फेस पर भी अप्लाई नहीं करना है, जस्ट जो है आपने अपनी एक्नी पर ही इसको इस तरीके से अप्लाई करना है जहाँ जहाँ आपको एक्नी है। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको इसके मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। आपने जो है इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। आप इसको अप्लाई करेंगे तो उसके साथ ही आपकी एक्नी जो है रिमूव हो जाएगी। छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये छोटी छोटी टिप्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।